नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी इडिप्स और हिंदी इडिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताएंगे जो हाल ही में लॉन्च की है। वो लॉन्च हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की है, तो वो आप ऐप को आप कैसे डाउनलोड करोगे और कैसे यूज़ करना है, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में आज बताएँगे। तो आज की वीडियो हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करिए। तो प्ले स्टोर में जैसे आप ऊपर डालिए उमंग। अब जैसे ही उमंग डालोगे तो देखिए सब उमंग MEITY गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको आपको इंस्टॉल करना है। ये हमने पहले से इंस्टॉल कर रखी है, इस वजह से ये ओपन करने के लिए बोल रहा है। करीब 9 MB की ये फाइल होगी, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसके बाद ओपन कर लीजिएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए इस तरीके से लोगो आएगा। उसके बाद चूज योर लैंग्वेज, देखिए इसमें कई सारी भाषा हैं जो आप अपने हिसाब से जो आपको सूटेबल हो वो आप इसमें से सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन हम इंग्लिश सेलेक्ट करके इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद देखिए एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट, तो ये आपको नीचे करने के बाद इस पर क्लिक करके आई एग्री टू ऑल टर्म एंड कंडीशन, इसके बाद इस पर आप नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद देखिए पावर ऑफ वन, इसके बाद देखिए अगर आपने पहले से बना रखा है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, अगर आपने पहली बार इसमें आपको इंस्टॉल किया है तो इसको रजिस्टर, तो हम इसको आपको बताएंगे रजिस्टर कैसे करना है। देखिए तो सबसे पहले रजिस्टर, तो इसके बाद आप जो आ रहा है ना लेट्स गेट यू स्टार्ट, तो इस पर आप कंटिन्यू कर दीजिए। और ये ऑप्शन आएंगे ये, इसको आप अलाओ 3 बार इसको अलाउ करना है। इसके बाद देखिए आप देख रहे हैं आधार नंबर से भी आप इसको लॉगिन कर सकते हैं और मोबाइल नंबर से भी इसको, तो हम इसको मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करके बताएंगे कि आप किस तरीके से इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप मोबाइल नंबर पर क्लिक करिए, इसमें आप जो अपना मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं वो आप इसमें मोबाइल नंबर अपना डालिए। उसके बाद एक OTP आएगा। अब देखिए हमने पहले से रजिस्टर कर रखा है, इस वजह से दिस मोबाइल नंबर इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, प्लीज़ लॉग इन टू एन्जॉय उमंग सर्विसेज, इसका मतलब हमने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो ये हमारा रजिस्टर नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ होगा क्या, जब आप इसको डालोगे तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक OTP आएगा, OTP आप इसमें डाल दीजिएगा। OTP डालने के बाद फिर आपका आगे एक MPIN मांगेगा, MPIN आप अपने पास नोट करके कहीं लिख लीजिएगा और उस MPIN को आप इसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उस तरीके से, इस तरीके से आएगा, तो इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए लॉगिन करने के लिए और अपना MPIN डाल दीजिए जो आपने बनाया हो। उसके बाद लॉगिन कर दीजिए, लॉगिन करोगे तो पूरा एक एप्लीकेशन ये लॉगिन हो जाएगा। देखिए सिंपली टैप योर नेम, उसके बाद आप नेक्स्ट 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 फिनिश। तो देखिए पूरी ये आप देख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी का फ़ोटो है यहाँ पे और ये सारी है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, ऑल सर्विसेज पे आप चले जाइए। देखिए इसमें आधार सर्विसेज है, AICTE, भारत गैस, CBSE, क्रॉप इंश्योरेंस, DG सेवा और डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड ई मार्केटिंग, ई पाठशाला, EFPO, HP गैस, इंडियन गैस, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड इसमें बहुत सारी हैं। देखिए पासपोर्ट सेवा भी है, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो ये सारी ऐप हैं। तो ये सारी ऐप आप एक बार में एक ऐप से इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बात ये है कि आपको कहीं पे भी किसी भी URL पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जिस भी चीज़ की जो भी ज़रूरत हो आप इसमें डायरेक्टली यहाँ से इसको अप्लाई भी कर सकते हैं और लॉगिन भी कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम आपकी होगी। उसके अलावा देखिए माई प्रोफाइल देख सकते हैं आप, अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, डिजिटल लॉकर भी है, बाकी जो भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो आज की सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो लोगों को पासपोर्ट में होती है। देखिए इसमें सिंपली पासपोर्ट सेवा है, इसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ पासपोर्ट सेवा में क्या क्या इसमें उन्होंने दे रखा है। देखिए लोकेट सेंटर है, फी कैलकुलेटर है, स्टेटस ट्रैकर है, डॉक एडवाइज़र, लोकेट सेंटर, यानी कि देखिए पासपोर्ट सेवा केंद्र अगर आपको सर्च करना है तो वो आप कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट पासपोर्ट सेल सर्च कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन आपके एरिया का कौन सा है वो सर्च कर सकते हैं, मिशन पोस्ट अवार्ड चेक कर सकते हैं, पासपोर्ट ऑफिस चेक कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको डिस्ट्रिक्ट पोस्ट पासपोर्ट सेल चेक करना हो तो इस पर आप क्लिक करिए, उसके बाद स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करिए, उसके बाद आप स्टेट जाइए, हम UP में रहते हैं तो हम इसमें UP करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप जो भी रहते हैं, मैं गाज़ियाबाद इसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये गाज़ियाबाद, ठीक है, इस पर मैं सबमिट करूँगा, वैसे ही पूरा एक मैप खुल जाएगा, उसमें पूरी लोकेशन दे देगा कि ये ऑफिस कहाँ है। देखिए ये पूरी एक ये दिख रहा है ना रेड कलर का, इसका आप क्लिक कर दोगे तो डिस्ट्रिक्ट पासपोर्ट सेल इन गाज़ियाबाद, TPC गाज़ियाबाद, तो ये पूरा नेविगेशन आप क्लिक कर दोगे तो खुल जाएगा। तो इस तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका एरिया का कौन सा ऑफिस कहाँ पर, और फी कैलकुलेटर मान लीजिए कि आप फ्रेश हैं तो एप्लीकेशन आपकी 15 साल से कम है या 15 से 18 है या 18 से एबव है, मान लीजिए 18 से एबव है रिक्वायर, इसमें तत्काल या नॉर्मल ले लीजिए,
नंबर ऑफ पेजेस 36 पेजेस या 60 पेजेस, मान लीजिए 60 पेजेस आपने लिया, सबमिट पे क्लिक कर दीजिए, उसको आप देख पाएंगे फ़ी फॉर फ्रेश पासपोर्ट 2000 रुपीज़। अगर इसी चीज़ को अगर हम 36 पे करेंगे उसके बाद सबमिट करेंगे तो 1500 रुपये। तो इस तरीके से आप इसकी सर्विस देख सकते हैं, उसमें बहुत सारी ऐप हैं, तो आप एक बार खुद भी देखेंगे तो इसमें सब कुछ आप देख सकते हैं। जो उसकी लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपको किसी भी बात की परेशानी आए या प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कुछ अगर आपको पूछना हो तो उसमें आप हमें कमेंट करिए, हम उसको आपको सॉल्यूशन देंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अगर लास्ट में अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत।